नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। प्यारे दर्शकों, ये तंत्र जगत वाकई में बहुत ही अद्भुत है। जिस प्रकार समुद्र में जितने गहरे जाओगे उतने रत्न मिलेंगे, उतने ही आपको अमेजिंग अमेजिंग जीव जंतु तरह तरह की नाना प्रकार की चीजें देखेंगी, नए नए चीजों के बारे में पता चलेगा। उसी प्रकार से तंत्र भी है। जैसा कि आप जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान करने के लिए नाना प्रकार की चीजें देखी जाती है। जैसे मुसलमानों में फाल खोला जाता है, हमारे यहाँ विचारा जाता है, और कजली है, ज्योतिष है, प्रश्न लग्न है, बहुत सारी चीजों से देखा जाता है। इसी में एक आज कला पता चली है जो कि वर्षों पुरानी थी और प्रमाणिक है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके जिंदगी में आगे क्या है, या जो सामने वाला है आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर सटीक दे सकते हैं। वो भी एक पत्थर, मैं बता रहा हूं, मैं इसको बहुत ही छुपा के रखा था, बरसों बाद दिखा रहा हूं। ये वो भी एक पत्थर से, ये पत्थर, ठीक है, मात पत्थर पे हाथ रखने से पता चल जाएगा आपके तमाम उन सवालों के जवाब जो कि रहस्य बने हुए हैं। इस पत्थर को बोलते हैं रामेश्वर। गए आप लोग रामेश्वर? जब पत्थर डाल रहे थे उसके अंदर, नदी के अंदर, राम जी लिख रहे थे राम, देखिए इधर राम लिखा हुआ हल्का से अभी भी, और ये पानी में तैरता भी है। ये पत्थर से आपको 100% पता चलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो घबराइए नहीं, ये मत सोचिएगा गुरु जी ये क्या बता दिए, उसका हर चीज का सब्स्टिट्यूट है। आप घर पे या कोई ऐसे व्यक्ति का जो सिल बट्टा नहीं तो बट्टा ऊपर वाला ये मिल जाए, जो यूज किया हो कम से कम एक साल तक यूज हुआ हो, ऐसे बट्टे को, सिल को नहीं बट्टे को, सिल बट्टे को ले लेना है, ठीक है। और एक पानी वाला नारियल ले लेना, पानी वाला नारियल। अब क्या करना है, आप साफ जगह इस बट्टे को रखना है, पहले नारियल रखना है, और उसकी चारों तरफ आपको अपने प्रश्न, यस नो, हाँ नहीं, होगा, मध्य में जो लिखना चाहो चारों तरफ रख देना, एक गोला सा बना के, ठीक है, एक गोला सा बनाना, उसके बीच में ये रखना, जैसे हम एक बड़ा सा नहीं बनाते ऐसे गोला से बनाना, और गोला चारों तरफ होगा नहीं होगा देर से होगा, यानी जो 5-7 प्रश्न के यस नो ये सब लिख देना। अब क्या करना है, किसका दो रहता है, राइट लेफ्ट और ईस्ट वेस्ट, इससे भी प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। अब नारियल के ऊपर लोढ़े को रखो, यानी जो बट्टा रहता है उसको रखो, या ये पत्थर रखो, और दाहिना हाथ ऐसे जमाओ जैसे ये नारियल ऐसे जमाओ, और आप कोई भी प्रश्न करो, अगर वो प्रश्न की तरफ घूम जाता है, जिधर नारियल का छेद वाला नहीं, जिधर से नारियल का वो फल लगता है उसमें 3 छेद बने रहते वाला नहीं, मुख वाला लास्ट में जहां ऐसे हो जाता सुई जैसा, वो जहां घूम जाए जिस अक्षर की तरफ वो उसका जवाब होता है। जैसे ये रखा बैठा, हाथ रखा ऐसे घूम गया जैसे सुई घूमती है, ये तो एस नो इधर जाए तो समझ जाइए कि आप एस की तरफ गया काम होगा, नो की तरफ नहीं होगा, और शंका की तरफ की संदेह है, ऐसे 5-7 लिख लेना। लेकिन इससे क्या होता है, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैं सरल उपाय बता रहा हूं, आप अपने घर में करिए। एक नारियल रखना और एक नीचे लिखना जमीन पे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशा की तरफ ऐसे प्लस बना के लिख देना। अब नारियल से बोलना, नारियल जब रखोगे आप उसके ऊपर पत्थर रखोगे तो ऐसे हाथ रखना, बोलना, पूछना कोई भी प्रश्न होगा कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, अगर होऊंगा तो साउथ की तरफ चलो, तो नारियल का मुंह साउथ की तरफ हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, या आप ईस्ट की तरफ बोल दो, वेस्ट की तरफ बोल दो, पूरब बोल दो, पश्चिम बोल दो, यानी जिधर दिशा की तरफ आप कहोगे अगर मेरा ये काम होने वाला हो तो इसका मुख इस दिशा की तरफ हो जाए तो वह उधर ही हो जाएगा। ये हर तरीके के आपके भविष्य को बताएगा, ठीक है। ऐसे रखो कि यूं मुड़ जाएगा हाथ, इधर मुड़ जाएगा इसे हाथ नारियल पे। अब चलिए इसका साधना बताते हैं। साधना यही पत्थर लगेगा, हल्का बहुत होता है, बहुत हल्का,
और ये बहुत ही चमत्कारी पत्थर होता आपको कन्याकुमारी से मिल सकता है, प्राप्त कर सकते हैं। ये पत्थर का एक छोटा टुकड़ा लाइए, छोटा टुकड़ा, इस पत्थर का छोटा टुकड़ा लाइए और किसी भी पूर्णमासी को इसको दूध में डाल दीजिए गाय के, और कटोरे में, पीतल के कटोरे में या तांबे के कटोरे में दूध में डालकर आप 70,000 बार मोती की माला से सिर्फ ये छोटा सा मंत्र जाप कर लीजिए सफेद आसन पर दक्षिण मुख होके, समय सुबह से शाम के बीच कभी भी, सिर्फ इस पत्थर के सामने, गंगा वो दूध में जो रखा हुआ पत्थर है टुकड़ा, उसके सामने जाप कर लीजिए 70,000। उसके बाद ये पत्थर आपको खुद बताएगा सामने वाले का भूत भविष्य, कोई टेंशन की बात नहीं। इस पत्थर को 70,000 सिद्ध करने के बाद कोई बंधन, कोई लोचा नहीं किसी प्रकार का, हम जैसे बता रहे हैं वैसे सुनना कि ये बैठो माला सिद्ध करो ये करो, कुछ भी नहीं। अरे पहाड़ों में साधु संत कौन सी चीज सिद्ध करते हैं, ये सब उल्लू बनाने वाले लोग हैं। ये सिद्ध कर लो, हमसे प्राण प्रतिष्ठा कनक धरा पाठ मंगा लो, हमसे प्राण प्रतिष्ठा या छड़ी कवच मंगा लो तभी आएंगी, ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है, कहीं कुछ नहीं। आप सिर्फ बैठिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर आस्था होनी चाहिए, प्रत्यक्ष होगा। हजारों साल पहले कौन अगरबत्ती फैक्ट्री थी, कौन बहुत सारी सेंट फैक्ट्री थी, देख लो जितने बड़े सिद्ध हुए वो सिर्फ आस्थावान थे, एक झोली लिए, कमंडल लिए, आसन लगा के बैठ गए, मैं तुझमें तू मुझमें, और पा गए उस चीज को जो पाना चाहते थे। आज हम आसन लगाओ, चौक पूरो, ये दक्षिणा करो, उधर ये करो, इधर ये करो, 3 घंटा दुनिया भर का परपंच करो, हाथ कुछ नहीं आता। मैं दावा कर रहा हूं, लाखों लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे, इनमें से 10% ऐसे लोग होंगे ये सब नौटंकी से गुजर चुके होंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं आया होगा, बाबा जी का सिर्फ ठुल्लू आया होगा, बेवकूफ बने होंगे। तो इसको सिर्फ आप जैसे मतलब नॉर्मली करिए, कोई परहेज नहीं, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो घूम रहे हो, जो कर रहे हो करते रहो। 70,000 करने के बाद इसको, पत्थर को निकालना, धूप दीप देकर आपको एक लाल कपड़े में बांध लेना है और एक पोटली बना लेना है और डंडे में लगा लेना है। जब भी किसी के बारे में कोई जानना हो, एक आसन पर बैठिए, तुलसी जल लीजिए और छिड़कते हुए इसी मंत्र को आप 108 बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद इसको एक बार मस्तक पे लगाना, मस्तक पे लगाने के बाद रख देना, फिर आपके मस्तक समझिए कि एक्टिवेट स्पीकर से हो गया, सारा कुछ आपको यहां पता चलता रहेगा, आप बताते रहना सामने वाले को, ठीक है। एक स्थान पर एक बार में बैठकर आपको जितना बताना हो बता लेना, इसकी विधि यही सिर्फ है, बहुत ही सिंपल है। ये जो आदमी नहीं कर पाया कुछ नहीं कर पाएगा, इसे करिए, लाभ उठाइए। एक चीज और बता दें आपको, जो लोग अयोध्या नहीं आ सकते हैं उनके लिए हमारी नई सेवा चालू हुई और लोग काफी फायदा उठा रहे हैं, बहुत से लोग इनमें से जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी प्रश्न किया होगा, आप भी बताइए कैसा उत्तर मिला, अच्छा मिला कि नहीं। आप सिर्फ अपना नाम बताइए, पिता का नाम बताइए, बाकी हम बताएंगे आपको परेशानी क्या है, कब से है, नहीं होगी तो नहीं बताएंगे। इसका अनुदान है, फ्री नहीं, ये शाम को 7 से 10 बजे तक का बताया जाता, फ्री सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक 74-97-98-88 और 9118-03-6-409 पर आपको कोई समस्या, बीबी, बच्चे, नौकरी, पत्नी से आप एक प्रश्न करके निशुल्क जानकारी ले सकते हैं। सामग्री निशुल्क नहीं है, पूजा निशुल्क नहीं है, सब सेवाएं निशुल्क हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, हम क्यों परेशान, कब से हैं और ये पेड़ वाली पूरी तरीके से, तो आपको 7 से 8 मिनट के अंदर बगैर बताए आपको, आपसे पूछे सब कुछ इधर से बता दिया जाएगा। इसका अनुदान है, तो इसको अगर अनुदान वाले पे आप पूछना चाहते हैं तो 8726153903 व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही बहुत से लोग कहते हैं मेरे घर में जादू किया है, तंत्र किया है, ये गाढ़ा है, वो गाढ़ा है। अगर आपको डाउट है तो कुछ नहीं करना है, आप अपने घर की लंबाई सिर्फ नाप के हमको दे दीजिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वो निशुल्क मैं यहाँ से बताऊंगा। अगर आपके यहाँ कुछ चीज़ें हैं और बताऊंगा, और बताने के साथ अगर आप चाहोगे दिखाने के लिए तो आप अपने घर की मिट्टी और चावल लेके आना, मैं निकाल कर दिखाऊंगा और बांधूंगा, कवच करूंगा, तीनों काम करूंगा, उसका जो है निःशुल्क नहीं रहेगा, बताने का निःशुल्क है, चूंकि सामान लगता है। यहाँ आएंगे आपके सामने, आपके घर की मिट्टी से, आपके घर के चावल से बगैर मैं छूंगा नहीं, टच नहीं करूंगा, कटोरी भी लाना, जो भी चीजें होगी इसको खींच कर लाऊंगा, भस्म कर दूंगा और उसका विसर्जन करवा दूंगा, कवच करवा दूंगा, इन सब का चार्ज लगेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये सब बातें व्हाट्सएप पर 8726153903 पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।